एक और जगह घर जाने के लिए। कैसा लगा मैं तुम्हें फ्राइड राइस खा के? हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम माई न्यू ब्लॉग। तो अभी देखिए सात रात के बजने लगे 8 और आज मैं जहाँ पे लेके आई हूँ आप लोग को, ये हाईवे रोड देखिए बाबत पुतली सीधे निकल जाएगा और जब आप लोग इधर वाले साइड में जाएंगे तो सीधे शिवपुर गिरर बाजार जाके मिल जाएगा। और हमारे पीछे जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है ब्राउन टाउन कैप एंड डाइन, कुछ इस तरह से रेस्टोरेंट का नाम है। तो चलिए मैं बैक कैमरे से स्टार्ट करती हूँ यहाँ का वीडियो और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है और यहाँ का खाना कैसा है और यहाँ का जो भी डिश है मैं उसको टेस्ट करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखिए अभी मैं फिर से वह दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए गाड़ी पार्किंग का जगह काफ़ी अच्छा से है। और बाकी रोड के बारे में बात करें तो सामने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप भी दिख जाएगा और इधर वाला रास्ता है बाबतपुर के लिए जाएगा और इधर वाला रास्ता शिवपुर के लिए जाएगा। और उसके ऊपर देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, नीचे है रेस्टोरेंट, अंडरग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा। और रेस्टोरेंट की बात करते हैं ब्राउन टाउन कैफे एंड डाइन, फूड फॉर हैप्पीनेस। तो चलिए सीढ़ियों से इस तरफ उतरते हैं। क्या है थोड़ी देर में हवा फैलेगा ये कि, तो आप लोग को अलग अलग ऐसे कैब मिल जाएगा बैठने के लिए। तो अब हम लोग आ गए हैं अंदर बैठने के लिए और देखते हैं यहाँ का डिश यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो मेरे पास आ गए मेन्यू कार्ड, पहले मैं देख तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ पे मंचूरियन फ्राइड राइस और उसके बाद मशरूम, मंचूरियन फ्राइड राइस और उसके बाद मशरूम पनीर ग्रेवी और उसके बाद क्या बोलते हैं 4 तवा रोटी। इतना हम लोग ने ऑर्डर किया, देखिए कब तक आता है, तब तक मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ आप लोग को। तो देखिए बैक कैमरे से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर अलग अलग कैब बना हुआ है लोगों को बैठने के लिए, दो प्राइवेट रूम की तरह और बाकी इस तरह से पब्लिक ऑर्डर की तरह है सेफ्टी से। और वहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा गेट, उसके बाद वहाँ से जस्ट हम लोग अंदर आए ना कोने वाले साइड पे बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ का टेस्ट देखते हैं कि कैसा होता है यहाँ का टेस्ट। बाबू चला रहा है यहाँ पे मोबाइल और अक्ति यहाँ पे बैठी हुई है चुपचाप अभी। तो अभी यहाँ पे कंप्लेन करके आए हैं कि गिलास थोड़ा यहाँ सही नहीं था पानी वाला, तो कंप्लेन करके आए हैं यहाँ पर गिलास चेंज हो जाएगा। बाकी और चीज़ की व्यवस्था का बताएं तो लाइटिंग देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर लगी हुई है और एसी का व्यवस्था भी है, फैन का भी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा है। मतलब फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, आप लोग फैमिली को लेके आ सकते हैं, यहाँ पर खा भी सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, शोर शराबा भी नहीं है, शांति वाला जगह है। और उसके बाद खाने के बाद मैं यहाँ का रेस्टोरेंट का जो सीन है घूम के दिखाऊंगी एक बार आप लोग को। हाथ उठा दो, आवाज़ ऐड करना है तभी हम लोग का मंचूरियन फ्राइड राइस। हाँ हाथ उठा लो, रहने दीजिए। है तो उसमें कितना पियोगे? खा पाओगे तुम? तब फिर रहने दीजिए उनको, मत दीजिए। पापा खा सकते हैं, नहीं लेके क्या करोगे? तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे मंचूरियन फ्राइड राइस, टेस्ट करते हैं इसका और बताते हैं कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप ही बता दीजिए, अगले तुम बताओ। अच्छा है, चलो यहाँ करते भी पास कर दी, उनके पापा भी पास कर दिए और मैं देती हूँ तो बाबू को पूछे थोड़ा सा, लो थोड़ा सा ले लो। और मुझे चाहिए इसमें का पकौड़ी। सही करा है, तो सारे लोग पास कर दिए। अब मेरी बारी चेक नहीं डालती। अरे मैं तेरे को कर लूंगी, ठीक है? तीखा पन कम है, बच्चों के साथ सही है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। आप ठीक से रहा, टेस्ट अच्छा है।
आकृति को दोबारा चाहिए, जब टेस्ट अच्छा है तभी आकृति दोबारा ले रही है, वरना आकृति नहीं लेती। खाओ लो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू कैसा है बाबू? बस इतना अभी चुटकी। ये आप लोग भी ट्राई करिए मेरे तरफ से, और आप लोग भी इसका टेस्ट लेके बताइए कैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे लग गई है सबकी थाली खाने के लिए, और इतना हम लोग का मंचूरियन फ्राइड राइस बच गया है क्योंकि ज़्यादा हम लोग नहीं खा पाए हैं, तो ये पैक हो जाएगा घर जाने के लिए। अर्थी कैसा लगा मंचूरियन फ्राइड राइस खा के? चावल ग्रेवी बहुत सही है। सर तुम भी ले लो थोड़ा सा, ग्रेवी ले लोगे? हम टेस्ट कर लेते हैं। हाँ इसको क्या दीजिए? अच्छा उसको ले हो गया। देखिए प्यार मंगाई थी। चल रहा है। अच्छा ये मशरूम पनीर मसाला और उसके साथ है तवा रोटी, तो टेस्ट करके देखते हैं दोनों का कैसा है। ये रोटी और ये है आकृति, तो हर चीज़ का टेस्ट पहले ही बता दे रही है। अच्छा है, हाँ मुझे भी टेस्टी लगा। मशरूम और पनीर है, टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। बच्चों के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, खाने में कोई कमी नहीं है। बस कमी ये है कि इस साइड में यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, बहुत कम लोग ही जाते हैं, बस सब कुछ सही है। हम तो यही कहेंगे आप लोग आइए यहाँ टेस्ट लेके, कुछ बात ही बताइए आप लोग कैसा लगे लगता है, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ जो चीज़ बेस्ट होता है वही दिखाती हूँ आप लोग को, वही जाती हूँ शेयर भी करती हूँ। आकर तो समझ में नहीं आया, रोटी कटा नहीं है, ये जो है उसका ग्रेवी ना उसमें दही के साथ बनाया हुआ है वही कटा लग रहा है, और जो ब्रेक होता है वही दिखाती हूँ मैं। क्योंकि बहुत जो लोग रहते हैं जो मुझे पसंद नहीं आता है, मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती है ना। अच्छा अगर तुम बाबा ऐसा कर दें समझ लीजिए कि बहुत टेस्टी है। और ये निकासी एरिया है, और यहाँ पे मैं वीडियो बनाते हुए आप लोग मुझे भी देख सकते हो। अगर तो कि पापा कर रहे हैं वहाँ पे बिलिंग, बाकी अक्ति और बाबू यहाँ पे आप लोग को दिख जाएंगे। देखिए तो अभी निकल रहे हैं हम लोग, देखिए रेस्टोरेंट से बाहर, और अब चलेंगे सीधे घर के लिए क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, शायद इस टाइम पे 10:30 बजने वाला है। क्यों चले गए आप? आपको तो आना चाहिए था। तो अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, दवा मैं खाई हूँ शाम का ना, तो गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अभी ठीक है। बाहर हमको हवा अच्छा लग रहा है, बारिश देखिए बंद हो गई है इस टाइम पे, क्योंकि जिस टाइम पर हम लोग आए थे बारिश बहुत ज़्यादा थी। और एक चीज़ मैंने अभी जस्ट देखी हूँ वो ये कि जब आप लोग इस रोड से बाबा की साइड में जाएंगे तो वहाँ पर भी इसका देखिए पोस्टर लगा हुआ मिल जाएगा, तो आसानी है ढूंढने में, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। बाकी आप लोग के सामने है ही इतना बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, अगर आप लोग को भी आना है, एंजॉय करना है और यहाँ का भी टेस्ट लेना है तो आप लोग आ सकते हैं, तो जिसके घर से पास होगा वो आ सकता है यहाँ पे। बाकी मैं तो यहाँ पर टेस्ट कर ली, मुझे काफ़ी पसंद आया, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी कि जहाँ का टेस्ट मुझे पसंद आता है मैं वहीं का शेयर करती हूँ आप लोग के साथ में।
चले चलते हैं घर पे और मिलते हैं घर पे आप लोग से।